सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डी राइट। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं ड्रीम राइड। सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की ड्रीम राइड है स्पीति जाना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्पीति, और एक्साइटमेंट आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो, बिकॉज इस राइड का मैंने पूरा यार 1 साल से वेट किया, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, बट फाइनली अभी बन चुका है स्पीति जाने का, और हम लोग आज निकलने वाले हैं। तो क्या रास्ते में कैसा रहता सब कुछ आपको दिखाएंगे, पूरा मजेदार होने वाला है। और अपने साथ ट्रिप में है कुलदीप भाई। तो कुलदीप भाई अपने साथ जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, कुलदीप भाई जो है ये भाई आए हैं अपना गुजरात से, और इतनी दूर से हमारे साथ स्पीति जाने के लिए आए हैं, और मजा आने वाला फुल। भाई कैसे, एक्साइटेड हो? फुल रेडी? Yes, really. तो ठीक है फिर, रेडी हम लोग हो चुके हैं, बैग हमने लगा दिया है, और ये अपना राइडिंग जैकेट बस अपने को पहनना है, और हेलमेट वगैरह लेना है, ग्लव्स लेना है, टैंक बैग लेना है, बाकी सामान बांध दिया है। तो ठीक है फिर निकलते हैं, और रास्ते में आपको मिलते हैं। ठीक है फिर, चंगा, मिलते हैं 8 दिन बाद, 8-9 दिन बाद। हाँ हाँ ध्यान रखा, चले कुलदीप भाई। और ये गाइस देख सकते हो आप, अपने यहाँ बुलेट पूरा रेडी हो चुका है, बैग हमने कर दिया है, और ये लुक इसका, पहले आप अगर व्लॉग्स देखते हो तो देख ही चुके हो, बस टैंक बैग लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, और निकलते हैं फटाफट फिर। तो ठीक है जी, भोलेनाथ का नाम लेके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है स्पीति के लिए, और वीडियो अभी तक हम लोग मेन रोड पे नहीं आए, बट बनाने का रीज़न ये था कि अपने फ्रेंड्स थे वो जो लोग पहले जाए हैं स्पीति, तो रास्ते में उनको मिलते हुए जाएंगे, और आपको भी मैं एक बार मिलवा देता हूँ। तो ये आ गए भाई के शॉप पे, और यहाँ इनसे मिलेंगे फिर आगे निकलेंगे। हाँ जी महाराज, की हाल चाल, ठीक हो? तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे फ्रेंड थे ये लोग जा चुके हैं स्पीति पहले 2 बार, तो इनसे हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया जाना कि कैसे जाना है और क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, क्या चीज़ कैरी करनी है। तो भाइयों ने बहुत गाइड किया हम लोगों को, और अभी ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं हमें, हम लोग रुके हैं इनसे मिलने के लिए। हाँ, तो भाई का नाम है ओमी, और भाई का नाम पंकज, आप ही बताया था यार, भूल गया था। तो इन लोगों की ब्लेसिंग्स लेके भाई निकल रहे आगे, और देखते हैं सफर कैसा रहता है। तो ठीक है, तब तक कनेक्टेड रहो, मिलते हैं रास्ते में। सो गाइस, अभी हम लोग लुधियाना से बाहर निकल चुके हैं, और आज का मैं आपको डेट बता दूं, जो आज का डेट है वो है 28 अप्रैल 2023, और फ्राइडे के दिन हम लोग निकल रहे हैं, और हम लोगों का प्लान था 10-11 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते हम लोगों को यार 12 बज गए। तो बढ़िया है, बाकी चलेंगे देखेंगे स्पीति। यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं स्पीति के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ का वेट किया था, और लास्ट मोमेंट पे हर बार प्लान कैंसिल हो जाता था, लेकिन इस बार डेट फिक्स करके हम लोगों ने रख लिया कि जो भी हो लाइक निकलना ही है। कोई भी साथ में नहीं रेडी होता तो मैं अकेले निकल जाऊंगा, बट फाइनली कुलदीप भाई मान गए साथ में जाने के लिए। तो ये भाई गुजरात से स्पेशल ट्रेन करा के अपने पास आए हैं यहाँ जाने के लिए, और फिर वापस गुजरात जाएंगे। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं शिमला, हम लोग शिमला रुकेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम लोग शिमला से निकल के पहुँचने वाले हैं किन्नौर, और थर्ड डे हम लोग जाने वाले हैं भाई चितकुल। तो इस तरह का कुछ शेड्यूल है, और आगे का भी आपको साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे, बट उसके लिए आपको हमारी ये पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी स्पीति की। और आपको बता दूँ एक बार, जो यहाँ से शिमला पड़ता है भाई वो 250 के अराउंड पड़ता है, और लुधियाना से, और स्पीति काजा जो मेन वहाँ पे है काजा स्पीति में, तो वो हमने जो देखा है वो 550 से 600 किलोमीटर तक पड़ रहा है लुधियाना से, और आज का जो सफ़र है हमारा वो 250 किलोमीटर तक ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग निकलने में लेट हो गए हैं। अगर थोड़ा जल्दी निकलते तो हमने सोचा था नारकंडा तक चले जाएंगे, बट नारकंडा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग शिमला में ही रुकेंगे, और उसके आगे का फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो अभी हम लोग राजपुरा तो पहुँच चुके हैं, बट भाई यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है,
और राइडिंग जैकेट मैंने पहनी है, ग्लव्स पहने हैं, तो इसलिए मैं भी मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्मी लग रही है। और बस जल्दी से यार वेट है कि पहाड़ आ जाए, और आपको पता है एक अलग से एक्साइटमेंट आ जाती है पहाड़ों को देख के, सारी थकान खत्म हो जाती है। गर्मी तो भाई वैसे ही खत्म हो जाती है, मौसम बहुत ठंडा होता है, तो जैसे ही पहाड़ आएंगे भाई फुल मज़ा स्टार्ट हो जाएगा। तब हम लोग थोड़ा सा मतलब एक कंफर्ट जोन में आएंगे और फुल मज़े में आएंगे। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं जीरकपुर, और जीरकपुर से रूट लेंगे हम सोलन शिमला वाला। तो भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं हम लोग जीरकपुर, और अपना थोड़ा टिपिंग का काम रहता था तो भैया से करवा रहे हैं। चंडीगढ़ है ना जीरकपुर? जीरकपुर जीरकपुर है प्रॉपर। और ये भैया की शॉप है, बढ़िया काम कर रहे हैं भैया आराम से हमारी सुन सुन के, ऐसा करना ऐसा करना है। ये ऊपर लगा दूँ? हाँ जी हाँ जी, है ना? हाँ जी, छोटा वाला वो नीचे। जी जी, तो बस ये काम कराते हैं फिर आगे निकलते हैं। इसका थोड़ा रहता था चैनल का, अपने को बड़ा बड़ा करके लिखना है भाई स्पीति जा रहे हैं, और वो थोड़ा दूर से चमकेगा ना। और चैनल का नाम भी मैंने थोड़ा चेंज किया था, छोटा किया था, बड़ा चैनल का नाम लोगों को समझ में नहीं आता था तो हमने छोटा किया चैनल का नाम। अभी बस वही चैनल का नाम लिखवा रहे हैं और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। कुलदीप भाई ठीक है? अरे एकदम बेस्ट, बढ़िया ना? एकदम बेस्ट। ठीक है ठीक है, पिछवाड़े का चबूतरा तो नहीं बना ना अभी? नहीं नहीं, आगे जाके बन जाएगा। चलो तो भाई साहब सीन ऐसा है कि हम लोग जैसा कि मैंने बताया 12 बज गए थे हमको निकलते निकलते लुधियाना से, तो नियर अबाउट 1:12 या 15 तक हम लोग पहुंच गए थे चंडीगढ़ में जीरकपुर। बट उसके बाद अभी भाई हो चुके हैं 3:25, तो इतनी देर से हम लोग अभी चंडीगढ़ में ही है। और उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, यह आपको कुछ दिख रहा होगा काला धब्बा सा। तो टेपिंग करवाने गए थे, मेरे को मैंने बोला मैंने चैनल का नाम छोटा किया, पहले बहुत बड़ा था तो लोगों को समझ नहीं आता तो मैंने चैनल का नाम थोड़ा छोटा किया, तो वो मेरे को टेपिंग करानी थी बाइक पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और वो भाई साहब ने टेपिंग करी भाई, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे, पता नहीं वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे या क्या सीन था, दुकान तो अच्छा लग रहा था तो वो सोच के हम लोगों ने रोका चलो कि अच्छा टेपिंग करेंगे, बट भाई बहुत गंदा टेपिंग किया। और ऊपर से उन्होंने बैकड्रॉप इसका ब्लैक रखने की कोशिश करी, और वो भी वो काटा छोटा काटा, उसके बाद पे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल टेप लगाई, बट फिर भी वो फिनिशिंग नहीं आई। अभी और भी बहुत कुछ कराना था, बट क्या है एक तो काम अच्छा नहीं था, ऊपर से स्पीड भी बहुत स्लो थी और भाई पैसे भी ज़्यादा थे। इतना से काम का भाई साहब ने हमसे 350 रुपया लिया, तो ये सीन था सारा। इसके कारण हम लोगों का कम से कम 2 घंटे 2-2.5 घंटे आराम से इधर ख़राब हो गया। तो अभी टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, अब भाई बोले ना आपके भरोसे चल रहे हैं, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है शिमला पहुँचने में। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें, घर से सोच के निकले थे एडवेंचर करना है, ट्रिप करना है, राइड करना है, मज़े करने हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, ये सब चलता रहता है। तो मज़े लेने का, एंजॉय करने का, अपना राइड अच्छा बनाना अपने को और मज़ा करना बस। तो भाई ये सामने आ गया हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, और भाई को करानी है फ़ोटो, ये बोल रहे फ़ोटो कराते हैं, तो ठीक है रुकते हैं फिर फ़ोटो कराते हैं। सो गाइस स्वागत है आपका हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। तो अभी हिमाचल में तो हम प्रॉपरली यार एंटर हो चुके हैं और मज़े शुरू हो गए अभी फुल। अभी लग रहा है कि यार स्पीति जा रहे हैं, बहुत लंबा ट्रिप है अपना, बहुत मज़ेदार होने वाला है। और गाइज एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एवरी डे व्यू चेंज होने वाला है यार स्पीति तक, बिकॉज मैंने भी बहुत व्लॉग्स देखे हैं स्पीति के, आपको एवरी डे न्यू चीज़ें मिलेंगी। लाइक हिमाचल में होता है ना सेम से पहाड़ कई बार ऐसा लगता है, बट यार स्पीति राइड की खासियत यही है कि आपको डेली नए नए पहाड़ देखने को मिलेंगे, पहाड़ों के कलर चेंज होंगे, उनकी बनावट चेंज होगी, और लाइक नेचर के बहुत सारे कलर आपको देखने में मिलेंगे। तो कसौली हम लोग कर चुके हैं क्रॉस, एंड अभी हम लोग हैं भाई धर्मपुर में। कैसे चला रहा है भाई, खतरनाक वाला, और पहाड़ पहाड़ पहाड़, सुंदरता हिमाचल की। बट अभी फ़िलहाल भीड़ वाले एरिया में, धर्मपुर है भीड़ होगी, तो ये धर्मपुर की मार्केट है, और आगे फिर से पहाड़ शुरू। तो गाइज अभी बचा है सोलन 7 और शिमला 53। और गाइज अगर आप शिमला आते हो तो आप एक चीज़ नोट करना, रास्ते के साइन बोर्ड्स पीछे किलोमीटर कम लिखा होता है, थोड़ा आप आगे जाते हो 3-4 किलोमीटर तो भाई किलोमीटर बढ़ जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि शिमला 49 और यहाँ पे पढ़ा तो भाई 53, तो देखो आगे बढ़ने के साथ तो कम होना चाहिए।
कि रिवर्स में तो नहीं जा रहे कुलदीप भाई हम लोग है? रिवर्स में तो नहीं जा रहे हम लोग, जो किलोमीटर बढ़ रहा है ऐसा ही रहा है भाई। हाँ शिमला वाले मजाक तो नहीं कर रहे, मजाक कर रहे शिमला वाले भाई हमारे साथ। और सोलन पीछे बढ़ा था 3 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा था 7 किलोमीटर, पता नहीं क्या सीन है यहाँ का। और ये है भाई साहब सोलन की मार्केट। और यार सोलन भी यार, सोलन की अपनी खूबसूरती है, एक बहुत सुंदर जगह है सोलन। एक बार मैं आया था बहुत टाइम पहले, ज़्यादा नहीं घूम पाया और हर बार बाहर से निकल जाते हैं, बट कभी आए स्पेशल तो सोलन ज़रूर आएंगे और सोलन को भी एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। वाह भाई वाह, ये देखो मज़ेदार मज़ेदार, सामने देखो। और वो ऊपर छोटा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, हमारे भारत का तिरंगा लहरा रहा है, जय हिंद जय भारत। और ये खूबसूरती हमारे हिमाचल की, अद्भुत। और ये यहाँ पे है सेंटर प्राइम, देखो यार कितना सुंदर बना है, डोमिनोज भी है। और सोलन शहर 3 है यहाँ से, कंडा घाट 12 और शिमला 45। ये देखो एक बार कितना प्यारा बना हुआ है। और यार बहुत टाइम से ये पुल का काम चल रहा है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा, तब तक इसके नीचे से निकलना पड़ता है धीरे धीरे। और अभी ट्रैफिक कम है, बट पहले मैं आता था कई बार तो लाइक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ये अभी चल रहा है अपना चाय ब्रेक, ये देखो कुलदीप भाई सही चल रहा है अभी। अरे एकदम बढ़िया सोलन में, बढ़िया एकदम बढ़िया। अभी शिमला पड़ा भाई, और मस्त और मज़ा आएगा शिमला जाके। चाय मिल्क केक लिया हमने और ये खाया। और खाना हम लोग भाई को बोला खाना, तो उन्होंने बोला कि शिमला पहुंच के खाना खाएंगे, तो मैंने कहा बोला ये भी ठीक है, बस चाय पियेंगे फिर आगे निकलेंगे। सोलन से थोड़ा आगे आ गया बट फिलहाल अभी सोलन में ही है। ओ, अभी शिमला पहुंचे भी नहीं और पहाड़ बदलने शुरू हो गए, देखो काले काले पहाड़, ये कुछ जले हुए लग रहे हैं या कुछ ऑयल गिरा हुआ है, पता नहीं क्या सीन है। और पूरे रफ से पहाड़ है लेफ्ट साइड पे अपने, और राइट साइड पे ग्रीन पहाड़ है। और ये देख लो भाई बिखरे हुए पहाड़। और जैसा कि आप देख सकते हो यार, अंधेरा होना शुरू हो गया है, दिन ढलना स्टार्ट हो गया है, बट अपने को क्या आज पहुंचना है शिमला कैसे भी करके। बट यार आपको लोगों को भी एक चीज़ बोलूँगा, हमेशा आप टारगेट रखो कि आपने कहाँ पहुँचना है, बट कितनी देर में पहुंचना है वो टारगेट कभी नहीं होना चाहिए। आराम से चलाओ भाई, ज़िंदगी रहेगी तो सब है, तो सेफ जर्नी करो, आराम से करो, मज़े लेते जाओ। लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड पॉजिटिव रखो, भगाने की मत सोचो कि हाँ भगाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, उससे आधे घंटे का फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा आधे घंटे का, बट क्या है कि भाई ज़िंदगी सेफ नहीं रहेगी, तो ज़िंदगी रहेगी तभी तो घूमेंगे ना और ज़्यादा। और भाई साहब अभी शिमला बोर्ड पे लिखा है 10 किलोमीटर, और आगे जाके आपको फिर दिखाएंगे, देखते हैं कितना आता है, बिकॉज यहाँ पे क्या उल्टा सीन चलता है, बढ़ता जाता है, कम नहीं होता डिस्टेंस। और ये पहाड़ देख लो, यहाँ पे आके बदल गए हैं, हाइट बहुत ज़्यादा है पहाड़ों की और पेड़ कम है पत्थर ज़्यादा है, तो मज़ेदार है। आगे जाके किन्नौर में तो भाई इससे भी ख़तरनाक मिलने वाले अपने को कल, और कल का तो भाई बहुत अमेजिंग होने वाला है। और आप लोग भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हमारा व्लॉग्स रहेंगे वो साथ के साथ आने वाले हैं, डे के हिसाब से मैं डालता रहूँगा, डे 1 डे 2। तो यहाँ पे अभी हमें व्यू मिला है और कुलदीप भाई बोल रहे रोक लो फ़ोटो खींचने के लिए, चलो ठीक है फिर इधर जाते हैं और एक फ़ोटो वोटो लेते हैं। क्या भाई फ़ोटो लेना है? चलो चलो मज़ेदार सही है ना, आपको पसंद आया हमारा हिमाचल। सो भाई लोग फाइनली शिमला हम लोग पहुंच चुके हैं, और 6:30 हम लोग पूरा पहुंच चुके थे, और आधा घंटा लग गया हमें होटल वगैरह ढूंढने में। तो शिमला यार जब भी आओ ना फुली रहता है, भरा रहता है, तो होटल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, बट हमें मिल गया, रोड के पास ही मिल गया, और यहाँ से माल रोड भी बैक साइड पर, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ठीक है बाइक भी पार्क होगी अपनी, लगेज भी रख दिया है, बट अभी ये मैं आपको पहले रूम दिखा देता हूँ, तो ये रूम की कंडीशन कुछ इस तरह की है, ठीक है अच्छा है अपने लिए तो बढ़िया ही, अपने को रात रुकना है और निकलना है। और ये कुलदीप भाई अपना हाथ मुंह धो के रेडी हो रहा है माल रोड घूमने के लिए, फुल्ली एक्साइटेड है भाई अपना। तो ये लगेज वगैरह सब हमने आते खिला दिया अच्छे से, बस अभी जाएंगे हम लोग घूमने माल रोड, और आपको
माल रोड का नाइट व्यू भी दिखाते हैं कैसा है। सो गाइज ये देख लो शिमला रिज, ये मेन ग्राउंड है। और शिमला पे मैं पहले भी वैसे व्लॉग बना चुका हूँ, बट अभी हम लोग आए हैं तो शिमला एक्सप्लोर कर देंगे दोबारा। और ये चर्च ये देख लो भाई, रात का कितना सही व्यू है, पूरा मस्त व्यू आता है रात को। तब मैंने दिखाया था आपको नाइट का व्यू, डे का व्यू, और अभी अपना है नाइट का व्यू। और ये अपना कुलदीप भाई फोटोज़ वगैरह खिंचा चुके हैं। आ रहे हैं मज़े, फुल फुल भाई, पूरे मज़े ले रहा। चलो आगे और घूमते हैं और आपको दिखाते हैं तब। सो गाइस शिमला का वेदर इस टाइम बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि मतलब दो दिन से ख़राब मौसम दिखा रहा था शिमला का, बारिश वारिश, तो ऐसा सीन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है अभी। और ठंड भी नहीं लग रही और गर्मी भी नहीं लग रही, और बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। अभी हम लोग फ़िलहाल घूम रहे हैं, तो भाई को जो है मैंने अभी रिज दिखाया है। और ये देख लो भाई अपना नेशनल फ्लैग लहराता हुआ। सो जय हिंद जय भारत भाई, इससे सुंदर क्या होगा, अपने नेशनल फ्लैग से सुंदर भाई क्या ही होगा। भाई लोग अभी बज चुके हैं 10 और हम लोग आ चुके हैं रूम पे। और हम गए थे घूमने माल रोड, आपको दिखा दिया हमने। और खाने का मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई कि अगर खाना आपने लेना है तो माल रोड से मत लेना, बहुत महंगा मिलेगा। हम लोग को 400 का मिला और हम लोग जाते हुए हमने ध्यान ही दिया, रास्ते में ढाबे थे और वो 100 रुपीज़ पर प्लेट वहाँ पर मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने सेपरेट कोई दाल सब्जी लेनी है तो वो भी कोई महंगा प्राइस नहीं है, बट अगर आप माल रोड पर लेते हो तो भाई बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों भाई? सही भाई, तो हम लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, अभी ले आए हैं तो अभी रूम पे हम लोग खाना लाके अभी खाएंगे। तो ठीक है, अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कल का जो हमारा होने वाला है, हम लोग जाने वाले हैं भाई किन्नौर, और किन्नौर भाई वर्ल्ड के जो ख़तरनाक रोड है, एडवेंचरर रोड है, सबसे ज़्यादा किन्नौर में, और किन्नौर बहुत पॉपुलर है, वहाँ पर बहुत कुछ देखने वाला है। सो यही बोलूँगा कि आप लोग तब तक कनेक्ट रहना, कल के व्लॉग के लिए कनेक्ट रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप कनेक्टेड।